हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज का जो ये वीडियो है गाइस इज मिंत्रा जेंस हॉल कुछ टाइम पहले ना गाइस मैंने मिंत्रा ट्राउजर हॉल डाला था और वो वीडियो आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया था ना एंड आफ्टर दैट आई हैव टू शूट अ जेंस हॉल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है गाइस जेंस और ट्राउजर्स दोनों ही इक्वलेंट होते हैं लाइक दोनों ही ना उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन विंटर्स तो विंटर्स तो आ रहे हैं इसके अलावा गाइस मिंत्रा पे सेल भी चल रही है तो मिंत्रा पे दिवाली सेल इज़ लाइव जो ग्यारह नवंबर तक चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं मैं

परचेज किया था एंड कार्गो जीन्स जिसका जो प्राइस मैंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी जींस है सो so ये वाली जींस नो वेस्टिकेटेड और यहाँ पे ना इलास्टिक को भी एडजस्ट करने के लिए दिस इज अलास्टिक जिसको कि ना आप एडजस्ट कर सकते हैं विद

लुक अमेजिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइक यू जस्ट नीड अ एटीट्यूड टू कैरी दिस कार् दिस इज जस्ट अमेजिंग पीस गाइज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल्चर लगाया ना इसमें आप देख सकते हैं दिस इज जस्ट जस्ट वाओ बहुत ही ब्यूटीफुलटेरियल इसका जो ओवरऑल लुक है इसका जो पैटर्न है कार्गो स्टाइल है इज जस्ट अमेजिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इसको ना मैंने एक ओवर साइज टी शर्ट आई सपोज की इसी वाली टी शर्ट के साथ में पहना था और इसके अलावा ना मैंने इसको फिर एक क्रॉप टॉप के साथ में ही पहना जस्ट टू शो यू तरह के जो ये कार्गोस होते, है ना, ये बहुत कम्फी होते हैं घूमने जा रहे हैं उस टाइम पे ना इस तरह के कारगोजो like, अगर आप किसी गेट टूगेदर में जा रहे हैं ना वहां पहन लो लाइक दे लुक सो कूल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और विंटर्स में तो ओवर साइज कपड़ों के साथ कार्गो बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर का कार्गो ज आ मस्ट द नेक्स्ट जींस फॉर दिस हॉल तो अगली जींस है ब्रांड ड्रसबेरी इसमें साइज थर्टी लिया था गाइज मैंने सारी ही जो जींस परचेज किया थर्टी है जो मैंने परचेज किया है एंड जो प्राइस मैंने इसका पे किया था एस एट वन वन और अभी जो इसका प्राइस हो रहा है ना लास्ट टाइम ना ये चीज हुआ था गाइस आप लोग मुझे बोल रहे थे कि ना अभी जो प्राइस आप बता रहे हो वो तो नहीं है कुछ और हो रहा है तो अभी जो इसका प्राइस हो रहा है ना सेवन थर्टी थ्री रुपीज हो रहा है बिकॉज सेल चल रही है तो अभी इसका प्राइस डाउन हुआ है एंड दिस इज दैट जीन्स एंड दिस कलर इज सो ब्यूटीफुल बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर है सो अब बेच कलर का जीन्स आई सपोज कि मैं जितने भी ट्राउजर हॉल करती हूँ या जितने भी जींस हॉल करती हूँ ना उसमें मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो बेच कलर होता है ना ये वाला एक ट्राउजर या एक जींस आपके पास होना चाहिए तो दिस इज अ बेज कलर और

क्रॉप रही थी मुझे इसका जो कलर है ये बहुत अच्छा लग रहा था तो ये वाले जो कलर्स होते हैं ना गाइस जो ब्राउन कलर के हमारे कपड़े होते हैं या ओवर साइज जो हमारी श्वेट शर्ट्स होते हैं या स्वेटर्स होते हैं लाइक वट एवर यू आर वियरिंग तो जो ब्राउन कलर होता है उसके साथ में वाइट के साथ में जो बेज कलर होता है उसके साथ में लाइक जो डार्कर साइड ऑफ बेज होता है उसके साथ में ब्लैक के साथ में लाइक बहुत सारी चीज़ों के साथ में ना इस तरह के कलर्स को पेयर किया जा सकता है और बहुत ही ना ब्यूटीफुल सा लुक निकल के आता है इसको पहनने के बाद में जो पिक्चर मैंने लगाया ना इसमें आप देख सकते हो इसको ना मैंने अपने ब्लैक कलर के टॉप के साथ में पेयर किया था और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था लाइक like, लाइनिंग्स वाले जो टॉप होते हैं ना उनके साथ में भी ये वाले जो जीन्स होता है लाइक like, ये वाला जो कलर होता है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इस वाले जीस की ना मटेरियल क्वालिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे फिट हो रहा था फिटिंग में कोई भी इशू नहीं आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स और इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है लाइक दिस इज़ वेरी डिफरेंट वाला वेज बेज कलर लाइक like, बिल्कुल ना अलग सा बेज कलर है बिल्कुल सिमिलर सा नहीं है सो दिस इज वाई भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सो दिस इज हाउ इट लुक्स सो वेस्ट लाइन जो है ना इसमें थोड़ी सी इलास्टिक भी अवेलेबल है

थर्टी सिक्स रुपीजे जो वॉश है ना इज सो सो ब्यूटीफुल लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लग रहा है एंड इसके बाद में जो इसकी बेस लाइन है पीछे की तरफ ना इस तरह की इलास्टिक अवेलेबल है आगे इसमें ये दो अगर इसकी स्ट्रेचिबिलिटी की बात करेगा इसमें बहुत ही मिनिमल सी स्ट्रेचिबिलिटी है स्ट्रेचेबिलिटी है एंड दिस इज हाउ दिस जीन्स लुक यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा ना ये रिप्ड भी दिया हुआ है लाइक दिस इज़ हाउ द रिप्ड लुक एंड द जीन्स इज़ लुकिंग सो अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी पहनने के बाद में ये जीन्स ना हाई वेस्टेड है लाइक अभी तक मैं जितनी भी जींस आपके सामने शेयर कर रही हूँ ना दे ऑल आर हाई वेस्टेड बट ये वाली ना कुछ ज़्यादा ही हाई वेस्टेड लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका वेस्ट लाइन आ रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी पहनने के बाद में पीछे की तरफ इसमें ये पॉकेट्स अवेलेबल है जो उसकी लेंथ मुझे आ रही थी दैट वॉज लाइक बहुत ही ना अच्छी सी थी लाइक like, विंटर्स में जब हम बूट्स पहनते हैं ना तो आप जस्ट इमेजिन करोगे ना ब्लैक कलर का ओवर साइज श्वेट शर्ट पहुआ है स्पेशली इन like, विंटर्स और इसीलिए मुझे विंटर्स बहुत पसंद है की मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत ही स्मार्टी तरीके से हम लोग रेडी हो सकते हैं इन विंटर्स वाई आई जस्ट लव दिस जो होते हैं जो डार्क कलर के हमारे कपड़े होते हैं उनके साथ में चल जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल

समथिंग की मैं कितनी परचेज कर लू मेरे लिए कमी पड़ती है लाइक like, मेरे पास ना अभी भी ब्लैक कलर की ना आई सपोज like, की ना बहुत सारी जींस है आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है बिकॉज ब्लैक रिब्ड जीन्स बहुत ही ज्यादा काम आती है सो दिस इज हाउ लुक एंड इट डू हैव दिस रिब सो ये वाली exactly एग्जैक्टली ऐसी जींस ना मेरे पास ऑलरेडी एक है जो कि अर्गेनिक से है लाइक मैंने ये मिंत्रा से ही परचेज की थी बट ये ब्रांड जो है ना ये अर्बैनिक है और ये ना मुझे छोटी हो गई है लाइक मेरी ना वेस्ट लाइन आई डोंट नो क्या हुआ है जब से ये लॉकडाउन लॉकडाउन के तो मैंने बाद में में ही की थी ये लॉकडाउन में तो मेंचेज नहीं किया है बट आई रियली डोंट नो कि ना मेरा वेट एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज दैट जींस जो कि अर्गेनिक की है और ये भी ना सेम इसी तरीके से लाइक यहाँ पे भी ना इसके ये दिए हुए हैं नीज के पास में ना इस तरह के रिप्ट दिए हुए हैं और ये वाली जो जींस है ना ये मैंने परचेज की थी गाइस साढ़े सोलह सौ रुपए में या सत्रह सौ में कुछ ऐसी ही परचेज की थी लाइक ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी और अभी ये वाली जो जीन्स है ना ये आठ सौ चार रुपये महंगाई दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड ये मुझे इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि मैं इसको पहन ही नहीं सकती थी बिकॉज मुझे ना लिटरली एक रिप्ड जीन्स चाहिए होती है बिकॉज रिप्ड जींस को ना बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो ना तो आप एक पार्टी वियर टॉप पहन लो और रिप जीस पहन लो अगर आप ट्रिप्स पर जा रहे हो तब रिप जीन्स बहुत अच्छी लगती है लाइक बहुत ही सारे तरीके से बहुत सारे स्टाइल से और बहुत सारी जगह पर ना हम रिप्ड जीन्स को पहन सकते हैं एक्सेप्ट ऑफिस ऑफिस अलाउड नहीं होता आई नो बट और भी तो हम जाते हैं लाइक हमारी और भी तो लाइफ है ना एक्सेप्ट ऑफिस तो वहां पे ना इस तरह की जींस बहुत अच्छी लगती है बहुत कूल लगती है तो वो वाली टाइट हो गई थी दैट्स आई परचेज अगेन एंड इसका भी जो मटेरियल है ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा मटेरियल है स्ट्रेचिबिलिटी इसमें अवेलेबल है लाइक like बहुत ही ना सी इसमें स्ट्रेचिबिलिटी है एंड दिस इज हाउ द वेस्ट लाइन लुक यहाँ पे इसका बटन क्लोजर है दीज आर द पॉकेट्स पॉकेट्स में पीछे भी अवेलेबल है और जो इसका फिट आ रहा था ओ माय गॉड इतनी ब्यूटीफुल इसका फिट था ना इतनी ब्यूटीफुल ये फिट हो रही थी मुझे इतने अच्छे से था ना ये वाली जीन्स भी मुझे कभी फिट नहीं हुई लाइक जो अर्बेनिक वाली थी ना वो भी मुझे कभी इतने अच्छे से फिट नहीं हुई जितने अच्छे से ना मुझे ये वाली जींस रही थी बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन कर रही थी कब्स को और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी ना गाइस वो भी एक्जैक्टली exactly वैसी आ रही थी लाइक जितनी मुझे चाहिए जितनी पुरानी वाली जीस की लेंथ थी ना उतनी ही लेंथ में मुझे आ रहा था और इस तरह की जो जीस होती है लाइक जो थोड़ी सी वाइड लेग स्टाइल में होती हैं उनकी ना मुझे ऐसा लगता है कि लेंथ अगर थोड़ी ज़्यादा ना तो हाइट थोड़ी सी इलांगेटेड लगती है लाइक दिस इज माई एक्सपीरियंस तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी सी आ रही थी बहुत ही ब्यूटीफुली फिट हो रही थी लाइक इसको जब मैंने पहना था तो पहना था ना तो मेरा इसको तांडे का भी मन नहीं करा था आई जस्ट लव इट सो मच बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल है काफी ज्यादा अच्छी सी जींस है आई जस्ट लव गाइस अगर आपके पास में एक ब्लैक रिब्ड जींस नहीं है ना गाइस तो गो गेट इट बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके पास जब तक नहीं होगी ना आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास ना क्या नहीं है सो दिस इज़ अ जस्ट आई मस्ट 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 हैव एंड इसके बाद मैं गई इस वी आर कमिंग टू द लास्ट जीन्स ऑफ द हॉल सो यस दिस इज़ द लास्ट जीन्स ऑफ द हॉल इन हॉल इज़ अबाउट टू एंड सो द जो लास्ट जीन्स है ना गाई इस दिस इज़ बेसिकली अ स्कीनी जीन्स एंड दिस इज़ अ रेगुलर स्किनी जीन्स फ्रॉम द ब्रांड एच एन एम एंड आई वॉटेड इन रुपीज़ नाइन थर्टी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैंने कितने में परचेज़ किया था सो आई वॉटेड इन रुपीज़ नाइन सिक्सटी फाइव एंड गाइस आई रियली डोंट नो कि ना इस्किनी जीन्स को ना इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है आई रियली डोंट नो बिकॉज स्किनी जीन्स इज लाइक बहुत ज़्यादा काम आती है गाइज स्किन जीन्स स्पेशली इन विंटर्स अगर आप विंटर्स में ओवर साइज कपड़े पहनते हैं ना साथ में बूट्स पहनते हैं जस्ट इमेजिन कि आपने एक स्कीनी जीन्स पहनी हुई है और आपने एक ओवर साइज हुडी पहनी हुई है और साथ में नीचे बूट्स पहने हुए हैं वो लुक आप एक बार ना सोचो कैसा लगेगा वो वकु बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला लुक पसंद आता है तो दिस से इज़ आई स्किनी ही जीन्स जो बहुत ही रेगुलर स्किनी ही जीन्स होती है ना गाइस आई थिंक ये आप सबकी वॉर्डर में होगी अगर नहीं है या फिर छोटी हो गई है तो गो गेट इट अगेन बिकॉज़ ये वाली जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज इनको तो मुझे तो लगता है कभी भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सबसे ज़्यादा काम आती हैं और किसी भी बॉडी शेप के साथ मेरा चल जाती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता कि लाइक इस तरह का बॉडी शेप है लाइक रेक्टेंगुलर

काफ़ी अच्छी सी है और इसमें आगे की तरफ ये दो पॉकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे ये बटन है पीछे की तरफ भी इसमें ये पॉकेट दिए हुए हैं एंड इसकी भी जो लेंथ मुझे आ रही थी ना ठीक ठाक आ रही थी लाइक इसी तरह की स्किन ही अच्छी लगती है जो बहुत ही चूड़ी सी बन जाती है ना बहुत ही लंबी चीज होती है बेसिकली वो बिल्कुल अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्ड भी जो स्किन जींस होती है ना वो भी अच्छी नहीं लगती बीच में ना सब बहुत ज़्यादा फैशन चलाता है कि क्रॉप्ड काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्ड स्किन जींस लोग पहन रहे थे बट ना लिटरली वो ना उतना अच्छा लुक नहीं देती बिकॉज हाइट थोड़ी सी उसमें ना कम दिखाई देती है सो दिस इज हाउ दिस जींस लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है सो दिस इज़ इन ग्रे कलर और ग्रे कलर ना बहुत ज्यादा वर्सिटाइल होता है गाइस कभी भी ना अगर आप इसे सोच रहे हो ना मैं क्या पहनू किसके साथ में पहनू तो ग्रे कलर इज द सेफेस्ट ऑप्शन सारी चीज़ों के साथ में ना बड़े आराम से चला जाता है सो आई जस्ट लव दिस जीन्स एंड आई एम ऑलवेज इन फॉर द स्किनी जींस मेरी वर्डर पर मैं आज भी स्किनी जीन्स पड़ी है गाइज में आज भी उनको यूज करती हूँ तो यू गाइज शूड हैव स्किनी जीन्स और ना इन विंटर्स ना आप उनको स्टाइल करके देखना आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा बहुत मजा आएगा एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी अबाउट दिस सो दिस इज हाउ दिस जींस लुक गाइज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एच एन एम की जो क्वालिटी है ना गाइज काफी ज्यादा अच्छी होती है स्पेशली जींस और जो ट्राउजर्स होते ना उनकी क्वालिटी काफ़ी ज्यादा अच्छी होती है और मिंत्रा पे ना हमेशा एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है एच एन एम के कपड़ों पर सो देट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर टू गेट इट फ्रॉ द मिंत्रा एंड गाइज दैट ऑल फॉर टूडे वीडियो आई होप आज का जो ये वीडियो है ना आप लोगों को अच्छा लगाओगे काम कर रहा होगा एंड इफ यू गाइज लाइक डेट अगर आपको यह कलेक्शन अच्छा लगाए अगर ये वीडियो अच्छा लगाए गाइज तो प्लीज उसको लाइक कर देना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सर्च वीडियोस और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा आईडी है कामना लवी और इसी के साथ मैं में में आपसे मिलती हूं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट रिव्यूज के साथ में टिल देन अपना ख्याल रखो टेक केयर बाय